Hello everyone, this video is for class 1 and the subject is science, chapter 7, keeping fit. ये chapter आप लोग का unit test में आ रहा है. Sonia is healthy, she rarely falls ill. मतलब कि सोनिया एक बहुत healthy है, healthy लड़की है, मतलब कि fit है. She बहुत कम वो बीमार पड़ती है. She goes to school regularly, वो रोज़ाना स्कूल जाती है. Last year she won an award in the school फॉर फुल अटेंडेंस. तो लास्ट ईयर उसको अवार्ड भी मिला है अटेंडेंस के लिए, वो रोज़ाना वो स्कूल जाती है इसलिए उसको अवार्ड मिला. दिस ईयर टू शी विल ट्राई टू गेट इट, इस साल भी वो कोशिश में है. सोनियाज फ्रेंड सुमन ऑफ्टन फील सिक, शी डज नॉट कम रेगुलरली टू स्कूल एंड दस मिसेस हर स्कूल वर्क. मतलब कि सोनिया की जो फ्रेंड है उसका नाम सुमन है, वो ज़्यादातर बीमार पड़ती है. इस बीमार पड़ने के चक्कर में बहुत सारा क्लासेस होमवर्क वो मिस कर जाती है. Sonia suggests her as follow to keep ourselves healthy. We must eat healthy food, play and exercise, take enough rest and sleep. तो सोनिया उसको सजेस्ट करती है अपनी फ्रेंड सुमन को कि फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए. ईट हेल्दी फूड, हम लोग खाना हेल्दी खाना खाना चाहिए, खेलना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और इनफ टेक इनफ रेस्ट एंड स्लीप, मतलब कि आराम करना चाहिए और अच्छी नींद लेना चाहिए. वी मस्ट स्टे फिट एंड हेल्दी टू बी हैप्पी, हम लोग को फिट और हेल्दी रहना चाहिए, फिट और हेल्दी रहना चाहिए तभी हम लोग खुश रह पाएंगे. गुड ईटिंग हैबिट्स, तो अब हम लोग ईटिंग हैबिट्स, ठीक है, गुड ईटिंग हैबिट्स पढ़ेंगे. वॉश ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग, मतलब कि वेजिटेबल्स हो या फ्रूट्स हो, मतलब कि फ्रूट्स मतलब कि फल, वेजिटेबल्स मतलब कि सब्जी, कोई भी सब्जी हो या फल हो सबको वॉश, खाने से पहले वॉश करना चाहिए. ईट फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल, और हमेशा ताज़ा सब्जी या फिर फल खाना चाहिए. डू नॉट ईट स्टेल फूड, स्टेल का मतलब होता है बासी खाना नहीं खाना चाहिए. डू नॉट ईट फूड सोल्ड इन द ओपन, तो खाने को खुला नहीं छोड़ना चाहिए. यूज़ योर ओन प्लेट एंड ग्लास टू ईट एंड ड्रिंक, अपना खुद का एक प्लेट, ओन प्लेट एंड एक खुद का ग्लास रखना चाहिए. ऑलवेज ईट विथ क्लीन हैंड्स और स्पून, हमेशा खाना अपने हाथों से खाना चाहिए और स्पून या हाथ क्लीन धो कर खाना चाहिए. ईट योर मील एट फिक्स टाइम, हमेशा खाना वक्त पे खाना चाहिए. च्यू योर फूड वेल, अपना खाना च्यू करके, च्यू मतलब होता है कि चबा कर खाना चाहिए. वी ईट थ्री मेन मील्स इन अ डे, हम लोग को तीन टाइम खाना चाहिए. इन द मॉर्निंग वी टेक ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग में क्या करते हैं हम लोग, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट खाते हैं. आफ्टरनून में लंच, एट नाइट वी टेक डिनर, रात में क्या लेते हैं हम लोग, डिनर. प्ले एंड एक्सरसाइज, योगा हेल्प अस टू रिलैक्स एंड स्टे हेल्दी, मतलब कि हम लोग को योगा करना चाहिए. योगा करने से क्या होता है, हम लोग रिलैक्स फील करेंगे और स्टे हेल्दी रहेंगे. वी मस्ट एक्सरसाइज डेली, तो हम लोग एक्सरसाइज डेली करना चाहिए. एक्सरसाइज कीप अस फिट एंड स्ट्रॉन्ग, एक्सरसाइज करने से क्या होता है, एक्सरसाइज करने से हम लोग फिट और स्ट्रॉन्ग रहेंगे. साइकिलिंग रनिंग एंड स्विमिंग आर गुड फॉर आवर हेल्थ, तो हम लोग हेल्थ के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, साइकिलिंग रनिंग एंड स्विमिंग, ठीक है, ये तीन चीज़ करना चाहिए अच्छा गुड हेल्थ के लिए. करेक्ट पोस्चर, पोस्चर मतलब होता है कि पोजीशन, करेक्ट पोजीशन, कैसे बैठना चाहिए, कैसे खड़ा होना चाहिए, कैसे वॉक करना चाहिए, ठीक है. वी मस्ट सिट एंड स्टैंड स्ट्रेट, हम लोग को हमेशा स्ट्रेट बैठना चाहिए, जब भी हम लोग बैठे स्ट्रेट बैठना चाहिए, और खड़े जब हो तो स्टैंड स्ट्रेट, खड़े हो या फिर बैठना हो या फिर खड़े होना, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए. वी मस्ट वॉक विथ आवर बैक स्ट्रेट, और हम लोग को जब भी वॉक करें, मतलब वॉक मतलब होता है कि चलना, जब भी हम लोग चले तो स्ट्रेट होकर चलना चाहिए. गुड पोस्चर कीप अस फिट एंड हेल्दी, गुड पोस्चर अगर हम लोग सही से स्ट्रेट चलेंगे या बैठेंगे या उठेंगे तो हम लोग को उससे बॉडी क्या रहेगा, फिट और हेल्दी रहेगा. रेस्ट एंड स्लीप, आई एम सुमित आई गो टू बेड अर्ली, मतलब कि मेरा नाम सुमित है और मैं सोने जल्दी जाता हूँ. आई स्लीप फॉर 8 hours एवरी नाइट, तो वो कितना घंटा सोता है, 8 hours, 8 घंटा वो सोता है. आवर बॉडी नीड्स रेस्ट एंड स्लीप टू स्टे हेल्दी, तो हम लोग को बॉडी को रेस्ट चाहिए, सोने के अच्छी नींद चाहिए हेल्दी रहने के लिए.